welcome to the second video. This video is related to number series. पहले हमने बिल्कुल सीधी सीधी जो number series थी वो हमने solve की थी, और ये भी possibility है कि जो number series के questions हैं वो जैसे कि आपके पास सामने आपके नज़र आ रहा होगा, मैं share कर रहा हूँ आपके साथ screen, तो इस तरीके के नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस भी जो है वो आ सकते हैं। अगर इस किस्म के नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस आते हैं तो हम किस तरीके से उनको सॉल्व कर सकते हैं देख लीजिएगा। सबसे पहले जो आपके पास क्वेश्चन है, अच्छा मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी, जिन लोगों ने ये लेक्चर ऑलरेडी लिया हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स ने लाइव लेक्चर लिया हुआ है, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं, बाकी के आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो सर्कल है, उन तक ये लेक्चर का लिंक पहुंचाइएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है वो फ़ायदा हो सके इस लेक्चर के थ्रू। ओके जी, तो सबसे पहले जो आपके सामने ये नज़र आ रहा है, एक फिगर नज़र आ रही है आपको, ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका इस तरीके से होगा कि 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9। तो देख रहे हैं आप क्या हुआ यहाँ पे, उसके बाद 9 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 18, 18 प्लस 2 इज 20, ठीक है जी। देखिए 9 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 18, 18 प्लस 2 इज 20, इसके बाद 20 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 40, 40 प्लस 3 विल बी 43। तो सारे क्वेश्चंस में ऐसा नहीं है कि एक ही जो है वो मेथडोलॉजी यूज होगी, मेथडोलॉजी डिफरेंट हो सकती है क्वेश्चन में बाय ऑब्जर्वेशन, पहले आपको ऑब्जर्व करना है और आइडेंटिफाई करना है कि इसमें क्या मेथडोलॉजी अप्लाई होगी। 43 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 86, 86 प्लस 4 विल बी 90। तो देखें अभी तक सब सही चल रहा है, अब क्या करेंगे, 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 180, और 180 में 5 ऐड कर देंगे तो इट विल बी 185। सो द राइट आंसर इज 185, ठीक है। सो होपफुली फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम जो है वो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसकी तरफ हम चलते हैं। देखें सेकंड क्वेश्चन, आई होप आप लोगों को विजिबल है। इस क्वेश्चन में आपके पास जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है पिछले वाले से, लेकिन देख लेते हैं कि किस तरीके से सॉल्व होगा। देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये जो ऑपोजिट है ना नंबर्स, इनको ऐड करके देखते हैं क्या आ रहा है। 11 प्लस 4 विल बी 15 और 5 प्लस 2 विल बी 7। अब इन दोनों को आप करें सब्ट्रैक्ट, तो जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 8, ये 8, ठीक है जी। इसी तरीके से 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा जी 30, देन 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14, सो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा 16, हियर इज 16, ओके जी। नेक्स्ट पे इस पे आ जाते हैं, 15 प्लस 8 कितना हो जाता है 23 और 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास 14, सो 14 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। होपफुली ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देखें जब आप देखते हैं कि यार ये सर्कल्स हैं, इसमें एक अननोन है, किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आप इस तरीके से शुरू करते हैं कि यार ये भी हो सकता है कि ये 2-2 का मल्टीपल हो, बट नॉट श्योर, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये 2-2 का मल्टीपल हो, क्योंकि अगर सिर्फ इन्हीं से काम चलाना होता तो ये साइड पे नंबर्स क्यों गिवन होते हैं। फिर आप साइड के नंबर्स को देखते हैं कि क्या इन सबको ऐड करके ये तो नहीं आ रहा, ठीक है, तो तब भी नहीं आ रहा, तो फिर हम इस तरीके से ऑब्जर्व करते रहते हैं और डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो आते रहते हैं कि ये क्वेश्चन जो है एग्जैक्टली किस तरीके से सॉल्व होगा। तो होपफुली सेकंड क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसी तरीके से, थर्ड पास पूरे जो लेटर्स हैं वो लिख लेते हैं, 26 लेटर्स ए से लेके जी तक, उनके ऊपर नंबरिंग कर लेते हैं जिस तरीके से हमने यहाँ पे नंबरिंग कर ली, सही है, और उसके बाद हम क्वेश्चन जो सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था, ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व जब करते हैं तो इस तरीके से करते हैं, हमें मालूम है ई और जे, ई और जे जो है वो हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं, ई रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, ठीक है, और जे रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, जे रिप्रेजेंट कर रहा है 11 को, सॉरी जे रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को,
यहाँ पे देख लेता है, ई रिप्रेजेंट कर रहा था किसको, फाइव को, जे रिप्रेजेंट कर रहा है टेन को, इन दोनों को ऐड किया, सम कितना आ गया 15। अब ई रिप्रेजेंट कर रहा है फाइव को और एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है देख लेते हैं, एल देख लेते हैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ई तो रिप्रेजेंट कर रहा है फाइव को, एल रिप्रेजेंट कर रहा है किसको 13 को, सो 5 प्लस 13 विल बी 5 प्लस 13, एक मिनट दोबारा से हम लोग देख लेते हैं क्या चाहिए हमें, ई और एल, सो हम दोबारा से देखते हैं कि ई और एल, ई की जगह हमने क्या लिखा है 5 व्हिच इज राइट, एल की जगह हमें क्या लिखना था 12, सॉरी यहाँ पे क्या है 12, सो 12 प्लस 5 विल बी 12 प्लस 5 विल बी 17, सो दिस इज द राइट आंसर। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका सम 29 आ जाए, तो सी की जगह क्या लिख सकते हैं, सी की जगह लिख सकते हैं हम 3, 3 को जब हम वहां ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इट विल बी 26, तो 26 क्या है देख लेते हैं, 26 जो है वो क्या है Z, 26 की जगह, सॉरी यहां पे क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या लिख सकते हैं Z, तो Z एंड C यानी के 26 एंड 3 विल एड ऑन टू मेक 29, सो Z विल बी द राइट आंसर, ये रहा, ठीक है जी। तो होपफुली ये वाला क्वेश्चन जो है वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अपने पास लेटर्स वाले क्वेश्चंस में लाजमी आपने क्या काम करना होता है कि अपने पास एक जगह सारे लेटर्स लिख लीजिएगा और उनके ऊपर नंबरिंग भी कर लीजिएगा, ठीक है भाई। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप खुद से ट्राई करिएगा, ये दोनों क्वेश्चंस जो है ये मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ताकि आप लोग खुद से ट्राई कर सकें, इनमें कोई प्रॉब्लम होता है कोई मसला होता है तो यू पीपल कैन आस्क मी इन द कॉमेंट बॉक्स, ओके। सो पहले ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लें, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो और लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट्स हैं जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह है उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।